हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। स्टेक गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के जीके की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट तीसरे पे है, शुद्ध हिंदी भाषा में होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हम लोग इसके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिस थर्ड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर एक से स्टार्ट करते हैं। किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर से निकालने के लिए उसे डैश करना आवश्यक है। ठीक है, किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर से निकालने के लिए उसे डैश करना आवश्यक है। तो क्या होता है, यदि किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर से निकालना है तो उसे क्या किया जाता है, उसे अनइंस्टॉल किया जाता है। अगर किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर से निकालना है तो उसे क्या किया जाता है, उसको अनइंस्टॉल किया जाता है। यदि किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर डालना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए उसको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर दो पे आ जाते हैं। डैश में बटन और मीनू होते हैं जो सामान्य कमांडों को एक्सेस उपलब्ध कराते हैं। डैश में बटन और मीनू होते हैं जो सामान्य प्रयुक्त कमांडों को एक्सेस उपलब्ध कराते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको मीनू बार कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर तीन पे आ जाते हैं। कंप्यूटर बंद हो जाने पर डैश कंटेंट्स डिलीट हो जाते हैं। तो कंप्यूटर बंद हो जाने पे कौन से कंटेंट डिलीट हो जाते हैं, मेमोरी के। ठीक है, कंप्यूटर बंद हो जाने पे मेमोरी के जो कंटेंट होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। प्रश्न नंबर चार पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर चार क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन के सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पर्टिकुलर टास्क फॉर्मेट करने के लिए करती है क्या कहलाती है। इंस्ट्रक्शन के सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पार्टिकुलर टास्क फॉर्म करने के लिए कहती है क्या कहलाती है, उसको कहते हैं आपका, तो क्वेश्चन नंबर चार का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोग्राम, उसको प्रोग्राम कहा जाएगा। प्रश्न नंबर पांच पे आ जाते हैं। नंबर पैड से डायरेक्शन एरो में काम लेने के लिए डैश कुंजी दबानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर कीजिएगा आप, जो नंबर पैड से डायरेक्शन एरो में काम लेने के लिए डैश कुंजी दबानी पड़ती है, तो उसके लिए होता है नम लॉक। कौन सा लॉक होता है, नम लॉक। क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर नंबर ए इज द करेक्ट। छठवें प्रश्न पे आ जाते हैं। यदि आपको ये पीडीएफ बाय करना है जिसमें कि आपके लगभग 550 पेज और 2000 प्लस हिंदी के एमसीक्यू हैं, वो आपको मात्र 35 रुपये में मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ आपको 5000 इंग्लिश के क्वेश्चन फ्री मिलेंगे। ठीक है, यानी कि कुल 7000 क्वेश्चन का सेट आपको मात्र 35 रुपये में मिलेगा, 7000 क्वेश्चन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से विजिट कर लीजिएगा या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8542878000। ठीक है, प्रश्न नंबर छः। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट जिसे 8 डैश मिलकर एक बाइट बनता है। तो देखिए, 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है। ठीक है, 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है। ठीक है, 8 बिट को मिलाकर क्या बनता है, एक बाइट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और बता देते हैं। 1024 बाइट्स, ठीक है, 1024 किलोबाइट मिलकर एक मेगाबाइट बनाते हैं। ठीक है, और 1024 मेगाबाइट मिलकर एक जीबी बनाते हैं, यानी कि गीगाबाइट। ठीक है, 1024 जीबी यानी कि गीगाबाइट मिलकर 1 TB बनाते हैं, यानी कि 1 TB। प्रश्न नंबर सात पे आ जाते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की
प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक निम्नलिखित है, ठीक है, तो उसको कहते हैं राइट क्लिकिंग। उसको क्या कहा जाता है? राइट क्लिकिंग। उसको राइट क्लिकिंग कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाते हैं। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है, तो जो कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है उसको क्या कहते हैं? प्रिंटर, ठीक है। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी कौन उपलब्ध कराता है? तो कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रिंटर उपलब्ध कराता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें, जो प्रिंटर होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस बता दीजिए, तो इम्पॉर्टेंट जो आपका इनपुट डिवाइस होता है वो होता है माउस, कीबोर्ड, जॉय स्टिक, ठीक है, लाइट पेन, ये सब आपके इनपुट डिवाइस हैं। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाते हैं। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर है, टिपिकल नेटवर्क में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल कंप्यूटर है नेटवर्क, वो कहते हैं नेटवर्क सर्वर। उसको क्या कहा जाता है? नेटवर्क, नेटवर्क सर्वर, वो नेटवर्क सर्वर होता है। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाते हैं। पीसी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल ठीक है पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेश का कौन सा जोड़ा दिया जाता है? यदि किसी फाइल को कहीं से हटा के दूसरी जगह ले जाना है तो उसको भैया जी कट पेस्ट करते हैं, ठीक है, क्या किया जाता है? कट पेस्ट किया जाता है। अब कट पेस्ट का कुछ मैं आपको शॉर्टकट कीज बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस सी, ये किस लिए होता है? कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी, ये किस लिए होता है? कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए, ये किस लिए होता है? सेलेक्ट ऑल करने के लिए, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस किस लिए होता है? सेव करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से क्या एक्सेल का बिट इन फंक्शन नहीं है, ठीक है, निम्न में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, तो कौन सा, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में भी, बिल्ट इन फंक्शन नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिए इनमें से आपका जो टोटल होता है वो बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, सम, एवरेज और मैक्स, ये सारे एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शन है। यानी कि सम भी होता है एक्सेल के बिल्ट इन में, एवरेज भी होता है, ठीक है, और आपका मैक्स भी होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, फॉर्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, फॉर्म्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जिसमें पहला क्या कह रहा है कि फॉर्म की सहायता से स्टोर हुए डाटा को सरल फॉर्मेट दिखाता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है फॉर्म की सहायता से रिमांड्स दिखे जा सकते हैं, प्रविष्ट कर सकते हैं या कुछ रिकॉर्ड्स में फेरबदल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ए तथा बी दोनों सही है, दोनों असत्य हैं यानी कि। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रिपीट कर लेते हैं, फॉर्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो पहला भी असत्य है और दूसरा भी असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। DBMS, ठीक है, अब DBMS की बात कर लेते हैं। तो DBMS क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका काम पूछा है, ठीक है, तो इसका काम बोला है डाटाबेस बनाना, जी हाँ बिल्कुल डाटाबेस बनाता है, डाटाबेस में बदलाव करना, बिल्कुल बदलाव करता है, डाटाबेस का रिकॉर्ड प्रोसेस्ड करना, बिल्कुल इसका काम है, एंड डाटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट करना, बिल्कुल किया जा सकता है डाटाबेस से रिकॉर्ड को, कुछ रिकॉर्ड चुनना, यानी कि ये सभी ऑप्शन सही हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS, ये भी एब्रिविएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट।
प्रश्न नंबर 15, असत्य कथन को चयनित करें, असत्य कथन को चयनित करें। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि विशेष विषय में डाटा संग्रहण को फॉर्म्स कहते हैं, ये आपका कथन असत्य है। ठीक है, फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।